Assalamualaikum classics, how are you all? Hope you all will be doing great. Okay beta, open your English book page number 23. Okay, today we will do the exercise of the poem The Old Brown Horse. ठीक है, बिफोर डूइंग द एक्सरसाइज लेट्स सी द वर्ड्स टू नो. फर्स्ट इज हैड माय डे. इसका मीनिंग है माय बेस्ट डेज आर पास्ट. बस आप इतना ही लिखें, इसका मतलब है यानी मैंने जो अपना पास्ट है वो बहुत अच्छा गुजारा है. ठीक है, तो माय बेस्ट डेज आर पास्ट, या मेरे अच्छे दिन जो हैं वो गुजर गए. मेन मीनिंग लिखें लॉन्ग हेयर ऑन द हेड एंड नेक ऑफ अ हॉर्स. ठीक है, मेन एक्चुअली वो जो घोड़े के गर्दन पे और जो सर पे बाल होते हैं लंबे उसको कहते हैं. ठीक है, टॉप मोस्ट बार, इसका आप लिखेंगे टॉप बार. वेरी टाइट, थका हुआ. ठीक है, दीज आर द वर्ड्स टू नो बिफोर वर्ड्स टू नो ऑफ दिस चैप्टर. ओके बेटा, वन मोर थिंग बिफोर अटेम्प्टिंग द एक्सरसाइज, फर्स्ट व्हाट यू विल डू, यू हैव टू प्रिपेयर द टाइटल पेज ऑफ द पोइम. लाइक द टाइटल ऑफ द पोइम इज द ओल्ड ब्राउन हॉर्स एंड देन ऑन द अदर पेज यू विल राइट द वर्ड्स टू नो. ठीक है, अब सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि ये पोएम एक्चुअली है किसके बारे में. ये पोएम जो है एक कहानी है. किसकी कहानी है? एक ओल्ड ब्राउन जो हॉर्स है उसकी कहानी है, जो कि ये मतलब हॉर्स की कहानी ये है कि जब वो यंग था तो वो बहुत ज़्यादा उसके अच्छे दिन थे, क्योंकि उसका मालिक जो है वो उसे राइड करता था, उसे अपने ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ करता था. लेकिन अब जबकि वो ओल्ड हो गया है और अब वो ऐसा लगता है कि अब वो एग्जॉस्ट हो गया है और टाइट हो गया, और उसको जो है फेंस कहते हैं जंगले के साथ जो है उसको बांध दिया गया है. ठीक है, क्योंकि अब उसका मालिक जो है उसकी तरफ नहीं देखता, क्योंकि उसके मालिक ने अब जो है अपने लिए और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट निकाल ली है. और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है? अब उसने जो है अपने लिए एक मोटर कार खरीद ली है और वो उसको अपना उसके थ्रू ट्रांसपोर्ट करता है. तो इसलिए मेरा मालिक जो है अब वो मुझे नहीं देखता, मुझे नहीं पूछता. ऑल तो जो ये हॉर्स है ये मतलब बताना चाह रहा है कि अगर कोई उसके पास आए और बैठे और प्यार से हम्बल और काइंड टच करे तो वो ये सब कुछ लाइक करता है, यानी ही लाइक्स द सॉफ्ट ह्यूमन टच. और साथ वो जंगले पे जो खड़ा हुआ देख रहा है लोगों की तरफ के लोग जो हैं, अब जैसे कि वो बूढ़ा हो गया है, ओल्ड हो गया है, तो कोई कंसर्न ही उससे नहीं रख रहे और कोई बॉदर ही नहीं कर रहा कि उसके पास आके और एक दो काइंड वर्ड्स जो हैं वो बोल लें. तो एक्चुअली दिस इज़ द मेन थीम ऑफ दिस पोइम. सो बेटा, टेक आउट पेज नंबर 24 एंड ऑन पेज नंबर 24 सी एक्सरसाइज ए अंडरस्टैंडिंग द पोइम. क्वेश्चन नंबर वन ऑफ ए इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. सो दीज आर द क्वेश्चन आंसर्स. ठीक है, फर्स्ट इज ए है, what do we learn about the horse from his appearance and behavior. हम जो हैं हमें हॉर्स के बारे में उसकी अपीयरेंस यानी उसकी ज़ाहरी जो गेटअप है या जो ज़ाहरी उसका मतलब अपीयरेंस है उससे और उसके बिहेवियर के बारे में जब इस पोएम में हम पढ़ते हैं तो हमें क्या पता चलता है. तो बेटा स्टार्ट राइटिंग द आंसर. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, लिखें, वी लर्न दैट द हॉर्स इज वेरी कॉमा ओल्ड कॉमा शैगी कॉमा नॉट वेरी वेल केयर्ड फॉर कॉमा एंड अ बिट सैड कॉमा
But the horse responds to human touch. यानी बज़ाहिर जो उसकी अपीयरेंस है वो क्या है, वेरी है, यानी वो थका हुआ है, ओल्ड है, बूढ़ा हो गया हुआ है. शैगी, शैगी कहते हैं बेटा हेयरी, शैगी जो हेयरी एंड बुशी को कहते हैं, कि यानी अब वो ज़्यादा ग्रो कर गया, ज़्यादा ग्रोन अप हो गया, ग्रो हो गया हुआ है, तो उसके बाल और वो ज़्यादा बुशी और थिकी हो गया. ठीक है, उसके जो शैगी कोट होता है, उसका जो बाल हैं जो गर्दन और सर के ऊपर होते हैं, तो उसको कहते हैं शैगी कोट, यानी वो ज़्यादा जो है वो बुशी हो गया वो हॉर्स. ठीक है, नॉट वेरी वेल केयर्ड फॉर, यानी जिसको आप इस ज़्यादा इसकी कोई परवाह नहीं करता, और वो उदास भी है. ठीक है, और वो इवन दिस अगर कोई उसको टच करें, अगर कोई इंसान उसको टच करे तो वो उसको रिस्पॉन्ड भी करता है. ठीक है, देन बच्चे पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर बी इज़ व्हाट डज द पोएट आस्क द रीडर टू डू. इस पोएम में पोएट ने जो रीडर्स हैं, जो ये पोएम्स रीडर को क्या बताना चाह रहा है, यानी रीडर से क्या वो पूछना चाह रहा है, क्या वो कहना, रीडर्स को वो क्या कहना चाह रहा है कि क्या किया जाए. ठीक है, द आंसर वुड बी द पोएट आस्क्स, ठीक है, टू स्टॉप फॉर अ वर्ड और टू एंड टच हिम सॉफ्टली. सॉफ्टली की स्पेलिंग SOFTLY, यानी जो पोइट है वो रीडर से ये कहना चाह रहा है कि आप जो है थोड़े टाइम के लिए उस थोड़े टाइम के लिए हॉर्स के पास रुक जाएं, उसको जेंटली टच करें, सॉफ्टली टच करें, और एक दो काइंड वर्ड्स उससे कहें. ठीक है, ओके बच्चे, देन सी, When does the horse feel that life now is not so bad? ठीक है, तो अब इसमें हमें बता रहे हैं कि horse जो है वो कब उसने feel किया कि जब life है अब वो इतनी जो है वो bad, यानी इतनी बुरी नहीं है. So बच्चे, the answer of this question is the horse feels good when a passer by strikes its mane and shaggy coat. ठीक है, हॉर्स जो है उसने तब फील किया कि अभी इतना बुरा नहीं है, अच्छा है, जबकि एक गुजरने वाले ने उसके मेन, यानी जो उसके बाल होते हैं नेक पे और हेड पे, उसको टच किया, उसको स्ट्राइक किया, उसको हिट किया, और उसके शैगी कोट को, शैगी थिक और बुशी, थिक या बुशी जो होते हैं उसको कहते हैं. ठीक है, उसके कोट को जो बालों का उसके ऊपर थिक कवरिंग है उसको टच किया, तो उसने फील किया कि हाँ अभी इतना सब कुछ बुरा नहीं है.